आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। अमाउंट टू रुपीज 18,522 फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो है 16,000, अमाउंट जो है वो हमारे पास है 18,522 और रेट जो है वो हमारे पास है 10% और टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 to the power n फॉर्मूला होता है। अब यहां पर जो है वो सेमी एनुअली दिया हुआ है, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब ये होता है कि हम लेट कर लेंगे टाइम को n बाई टू, यानी n की वैल्यू जो भी निकल कर आएगी वो कंपाउंडेड एनुअली में तो हम उतनी ले लेते थे, है ना, लेकिन सेमी एनुअली पे हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सपोज n की वैल्यू 3 निकल कर आती है तो 1.5 ईयर इसका आंसर हो गया, 4 निकल कर आती है तो 2 ईयर इसका आंसर हो गया, क्योंकि एक साल में जो है वो 2 सेमी एनुअली होते हैं या हाफ ईयरली होते हैं। तो इसको हम लेट कर लेंगे यहां पर n बाई टू, ठीक है, और n की वैल्यू ये रही, मतलब हाफ कर देंगे, जो भी निकल कर आएगी उसे हाफ कर देंगे। सपोज n की वैल्यू 3 आती है तो 2 से डिवाइड करके 1.5 हो जाएगा, हमें हाफ करना है। यहां से समझ लें आप, 18,522 इक्वल टू 16,000 इक्वल मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10/100 to the power n। अब यहां पर 18,522 अपॉन, इसे नीचे ले आएंगे इधर से, 16,000 इक्वल टू, यहां पर अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे तो 110/100 आ जाएगा, ठीक है, टू दी पावर n, ठीक है। अब इनको रिड्यूस करेंगे, अगर इनको रिड्यूस करेंगे आपस में 2 से डिवाइड करके, ठीक है ना, तो ये हमारा कहां तक आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आपका, मैं काट ही देता हूं, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 9261/8,000 इक्वल टू, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 से, सॉरी यहां पर थोड़ी सी गलती एक हो गई, सॉरी थोड़ी सी गलती ये हो गई कि जहां पर जो है वो हम हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन करते हैं वहां रेट को हम आधा कर देते हैं, हाँ, तो ये मैं बताना भूल गया। तो ये रेट जो है वो 5% हो जाएगा, तो यहां पर रेट 5% आएगा, ठीक है ना, हाँ, रेट 5% आएगा, ठीक है, और ये यहां पर जो है वो 105/100 हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा, तो 105/100 होकर ये हो जाएगा यहां पर आपका 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10 121, तो 21/20 की पावर n, ठीक है। टाइम रेट को हम आधा कर लेते हैं हाफ ईयरली में, वो रेट को आप आधा कर लें, 10 दिया हुआ 4 कर लें, यहां पर 4 लिख दें, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो ये जो है वो हमारा रिड्यूस होके आ गया 9261/8,000 इक्वल टू 21/20 टू दी पावर n। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 9261 होता है 21 का क्यूब और 8,000 होता है 20 का क्यूब, ये ऐसे करके, ठीक है, और ये हो गया 21/20 की पावर n, इधर वाला इसे रिड्यूस करके, ये आपस में हो गए कैंसिल, n के इक्वल क्या बचा, n के इक्वल बचा 3 इयर्स, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या निकल कर आई, 3 इयर्स। अब यहां पर हाफ ईयरली था, है ना, हाफ ईयरली की वजह से 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 whole 1/2 ईयर्स, तो ये आ गया हमारा आंसर 1.5 साल, ठीक है ना, क्योंकि 3 जो है वो राउंड घूमे सेमी एनुअली के, और 3 सेमी एनुअली होते हैं 1.5 ईयर के अंदर, तो इसलिए जो है वो 1.5 साल इसका आंसर हो गया, 1.5 ईयर, 25 क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।